नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। भारत सरकार द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के ऐतिहासिक निर्णय को अब एक महीना पूरा होने वाला है। इस पिछले एक महीने में पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन एक दो देशों के अलावा पाकिस्तान को और किसी देश से समर्थन नहीं मिल पाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये जो समर्थन ना प्राप्त कर पाने की झुंझलाहट है, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ट्वीट्स और उनके बयानों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। पिछले एक महीने में इमरान खान बार बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और भारत को युद्ध की धमकियां भी दे चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या पाकिस्तान वाकई भारत के साथ युद्ध करने की तैयारियां कर रहा है? यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सच में भारत के साथ युद्ध लड़ना चाहता है या फिर इन तैयारियों का असली मकसद कुछ और ही है? जिस प्रकार की गंभीर आर्थिक आपदा से इस समय पाकिस्तान गुजर रहा है, वो पाकिस्तान को भारत तो क्या किसी भी देश के साथ युद्ध करने की अनुमति नहीं देती, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की तैयारियां कर रहा है। क्या हैं ये तैयारियां और क्या है इन तैयारियों के पीछे का मकसद, जानेंगे आज के वीडियो में। आज की इस प्रस्तुति में ली गई सारी जानकारी अभिजीत अय्यर मित्रा और नैला इनायत द्वारा द प्रिंट के लिए लिखे गए दो आर्टिकल से ली गई है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसका नाम है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी के ओसेंट। ओसेंट द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इन इमेजेस में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगभग पूरी की पूरी पाकिस्तान फ्लीट को कराची और मारा और गवादर पोर्ट से समुद्र में उतार दिया गया है, यानी कि इन तीनों पोर्ट्स पर स्थित पाकिस्तान के नेवल बेसिस पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं। इस पहली तस्वीर के मेन हिस्से में देखा जा सकता है कि ओरमारा स्थित जिन्ना नेवल बेस पूरी तरह खाली हो चुका है। वहीं दाहिनी तरफ की इनसेट इमेज भी यही दिखाती है कि गवादर भी पूरी तरह खाली है और लेफ्ट साइड की इमेज में भी कराची के नेवल डॉक्स खाली पड़े हुए हैं। 5 अगस्त के बाद ली गई इन तस्वीरों को यदि इन्हीं नेवल बेसिस की जुलाई की तस्वीरों के साथ कंपेयर किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़ी संख्या में मिलिट्री शिप्स मौजूद हैं, जिनको ग्रे कलर के कैमोफ्लाज से ढककर रखा गया है। ओसेंट द्वारा ली गई दूसरी तस्वीर LOC की है। चकलाला में स्थित पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान बेस का C-130 ट्रांसपोर्ट स्टेशन भी पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में एकदम से तेजी आई है, जिसके लिए C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीर जिसे आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, इसे 4 अगस्त 2019 की शाम को लिया गया था। इसी शाम को ऑनलाइन मैसेजिंग ग्रुप्स में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि कश्मीर में चल रही चहल पहल के कारण पाकिस्तान में LOC के पास कुछ पैनिक जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राइट साइड की तस्वीर में आप नूर खान बेस में जुलाई के समय का डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में इस बेस पर मौजूद हैं। ऐसे ही नूर खान बेस की ये अगली तस्वीर 8 अगस्त की सुबह ली गई थी। इसमें देखा जा सकता है कि एयरक्राफ्ट्स की संख्या बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। केवल 2 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में खड़े हुए हैं। इसके अलावा 5 अगस्त के बाद POK जाने वाली VVIP और VIP फ्लाइट्स की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये तस्वीर पाकिस्तान एयरफोर्स के VVIP गल्फ स्ट्रीम 4 प्लेन की है और अभिजीत अय्यर मित्रा के अनुसार इसका मतलब ये हो सकता है कि खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा इस फ्लाइट में POK गए हों। ऑनलाइन मैसेजिंग ग्रुप से मिले टिप ऑफ्स पर एक्ट करते हुए ओसेंट सर्वेलेंस ने पाकिस्तान की एयर एक्टिविटी यानी कि हवाई गतिविधियों की और भी कई तस्वीरें 8 अगस्त को जारी की थीं। ओसेंट द्वारा ली गई ये लेफ्ट साइड वाली इमेज और राइट साइड वाली GIF में एक विशाल एयर डिफेंस पेट्रोल को देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी AWACS एक क्लासिक पैटर्न में उड़ रहे हैं और उनके साथ साथ कुछ ही दूरी पर एक एरियल रिफ्यूलर भी उड़ रहा है। मित्रा के अनुसार ये प्लेन्स तभी हवा में होते हैं जब पाकिस्तान एयरफोर्स के कम से कम 5 से 7 फाइटर जेट्स हवा में उड़ रहे हों।
इसके अलावा GIF एनिमेशन में एक VIP एयरक्राफ्ट का मूवमेंट भी देखा जा सकता है, जो संभवतः दूसरे एयरक्राफ्ट को मॉनिटर या फिर सुपरवाइज कर रहा है। इन तस्वीरों से पाकिस्तान का जो विस्तृत प्लान निकलकर सामने आ रहा है, मित्रा उसे कुछ इस तरह समराइज करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे कितना भी मिलिट्री मूवमेंट हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में कारगिल 1965 या फिर 47 जैसी इन्फिल्ट्रेशन करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये मुद्दा पाकिस्तान के लिए समय की दृष्टि से काफी ज्यादा संवेदनशील है, और पाकिस्तान किसी भी प्रकार के एक्शन की प्लानिंग में यदि ज्यादा लंबा समय लगाता है तो इतने में आर्टिकल 370 के हटाए जाने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक मान्यता मिलती जाएगी। वो लिखते हैं कि इसीलिए पाकिस्तान इस समय कुछ ना कुछ करने को बहुत ज्यादा बेकरार है, और पब्लिक प्रेशर के चलते पाकिस्तान सरकार और आर्मी दोनों ही बहुत ज्यादा दबाव में हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के लोगों को सड़कों पर निकलकर उत्पात मचाने के लिए कहा जा रहा है। यदि कश्मीर में भारतीय सेना बलों और सिविलियंस के बीच झड़पें होती हैं तो इसकी आड़ में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन कर सकता है। मित्रा कहते हैं कि अपनी इसी रणनीति को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के पेरोल पर काम करने वाले जाहिद हामिद जैसे लोग सोशल मीडिया के जरिए पहले से ही झूठी खबरें फैलाना शुरू भी कर चुके हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा अपने आर्टिकल में आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान की इन सारी तैयारियों का मतलब ये कतई नहीं है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। कम से कम अभी जैसे उसके आर्थिक हालात हैं उनमें तो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान युद्ध की धमकियां लगातार देता रहेगा, जिसका मकसद ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर की तरफ खींचा जा सके। और यदि इसमें वो सफल हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान आर्टिकल 370 के फैसले को उलटवाने की मांग करेगा, या फिर कम से कम पाकिस्तान को ये कहने का मौका तो मिल ही जाएगा कि देखो हमने कश्मीर इश्यू का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। ओसिंड की इन तस्वीरों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में इस समय एक बड़े पैमाने पर मिलिट्री मूवमेंट चल रहा है, लेकिन एक और बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त उसको युद्ध लड़ना तो दूर, युद्ध के बारे में सोचने की भी अनुमति नहीं देती। तो फिर क्यों इसके बावजूद भी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार लाखों डॉलर्स खर्च करके ये सारी तैयारियां कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है पाकिस्तान की पत्रकार नैला इनायत द्वारा लिखे गए आर्टिकल में। वो लिखती हैं कि हमें बचपन से पाकिस्तान में दिन रात बस एक ही सपना दिखाया गया था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन 5 अगस्त को ये सपना टूट गया। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जो किया, पाकिस्तान की सरकार उससे इतने ज़्यादा सकते में थी कि वो ठीक से रिएक्शंस भी नहीं दे पा रही थी। इससे बेहतर रिएक्शंस तो पाकिस्तान में तब आ जाते हैं जब पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच हारता है। अपने इस आर्टिकल में नैला इनायत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं, और इसी सवाल में सारे जवाब भी छुपे हुए हैं। सवाल ये कि क्या कश्मीर मुद्दे के बिना इमरान खान सरकार चल सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में एक कहावत मशहूर है, हुकूमत पेट्रोल से नहीं कश्मीर इशू से चलती है। नैला इनायत आगे लिखती हैं कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी थी तो कभी मिलिट्री रूल, सरकारें बदलती रहीं, सरकार चलाने वाले बदलते रहे, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो था कश्मीर इश्यू। पाकिस्तान आर्मी ने खुद को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए खूब कश्मीर के नारे लगाए, तो वहीं पॉलिटिशियंस ने चुनावों में कश्मीर के नाम पर भर भर कर वोट्स बटोरे। हर साल की 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता था, जिस दिन टीवी, रेडियो, स्कूल, कॉलेजेस में हम अपने कश्मीरी बिरादरान के लिए गाने गाते थे। नैला इनायत के अनुसार इमरान खान, जिन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका से वापस आने के बाद अपनी यात्रा पर यह कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दोबारा वर्ल्ड कप जीत लिया हो, वो इमरान खान अब खुद को एक बहुत ही ऑकवर्ड स्थिति में पाते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल मिलिट्री का भी है, क्योंकि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी अमेरिका गए थे, और जब इमरान खान प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे थे तब जनरल बाजवा भी उसी कमरे में मौजूद थे। यही कारण है कि अब इन दोनों से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर क्यों अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर अपना समर्थन पाकिस्तान को नहीं दे रहा है, खासतौर पर तब जब इमरान खान और ISPR दोनों ने ही अपने अमेरिका के दौरे को एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता घोषित कर दिया था।
नैला इनायत के इस आर्टिकल का सार ये है कि चाहे पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट हो या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सलीम बुखारी जैसे पत्रकार हो या फिर जाहिद हामिद जैसे सेलिब्रिटीज, ये सब पिछले 70 सालों से कश्मीर के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे थे। और अब जब कश्मीर से मुद्दा शब्द हट गया है तो इन लोगों की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। ये इसी बेचैनी का नतीजा है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी नाजुक होने के बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार और वहां के मिलिट्री लाखों डॉलर्स खर्च करके ये तैयारियां कर रही है। ऐसा करके इमरान खान और जनरल बाजवा अपनी जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। यदि भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो हम भी उसे जवाब देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की ही तरह तैयारियां होते होते एक लंबा समय निकल जाएगा, आर्टिकल 370 की घटना पुरानी हो जाएगी और पाकिस्तान की जनता इसे भूल जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सच में भारत के साथ युद्ध करने के लिए सारी तैयारियां कर रहा है या फिर अपनी जनता को दिखाने के लिए? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग कर सकते हैं और करना चाहते हैं वो अपने इस चैनल की मदद पेटीएम या फिर पेटीएम द्वारा कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद। Thank you.